नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड कहानी चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे बिग बॉस 16 के बारे में। बेचारा फंस गया। टीना दत्ता की वापसी के बाद पहले गौहर खान के सुर, किया शालीन भटोना को सपोर्ट। बीते वीकेंड के वार में कुछ ऐसा हुआ जो बिग बॉस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। टीना दत्ता के जाने के बाद घर में सब खुश नजर आ रहे थे। शालीन भटोना के फैसले से इनाम की रकम बच गई। उन्होंने टीना को जाने के बाद घर वालों से घुल मिलने का भी मौका मिला, लेकिन टीना की वापसी ने सारे इक्वेशंस बिगाड़ दिए हैं। अब सब पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 16 के विनर गौहर खान शालीन भटोना को सपोर्ट में उतरे। कुछ दिनों पहले ही शालीन को लताड़ने वाली गौहर को अब टीना पर गुस्सा और शालीन पर तरस आ रहा है। बीते हफ्ते सुंबुल और टीना को सबसे कम वोट मिले थे, जिसके बाद सलमान खान ने शालीन को दोनों में से किसी एक को बचाने का विकल्प दिया। शालीन ने वापस इनाम की राशि को गवा कर वजह इन्हें बचाने की एक आखिरी मौका था। टीना और सुंबुल दोनों ही शालीन को बजर नहीं बजाने पर सिर हिलाती हुई इशारा कर रही थी। शालीन ने किसी के लिए भी बजर नहीं दबाया और 25 लाख बचा लिए। कम वोट मिलने की वजह से टीना को घर में बेघर होना पड़ा। टीना ने बदले तेवर। सलमान खान की तरफ टीना दत्ता ने भी शालीन भटोना के फैसले को सराहा, लेकिन बिग बॉस के घर से अब क्या हो जाएगा कोई कहीं नहीं कर सकता। दोस्ती की परीक्षा ले रहे बिग बॉस ने एक बार फिर शालीन को मौका दिया कि वहां, लेकिन इनाम की राशि को गवा कर टीना को घर में वापस बुला ले। इस बार शालीन ने 3 सेकंड के भीतर बजर दबा दिया, लेकिन टीना के बदले तेवर दिखे, हैरान रह गए। टीना शालीन को शुक्रिया अदा करने के बजाय उससे नाराज नहीं आई। यहां तक कि टीना ने इशारा करने बात से भी साफ इनकार कर दिया, जबकि सौंदर्य और नम्रित ने भी कहा था कि टीना को इशारा किया था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।